नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, JSSC की तरफ से जो आपका CGL की वैकेंसी थी वो आ चुकी है। तो इसमें हम लोग वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि जो आपका इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका है JSSC CGL का है, तो इसमें सबसे पहले देखिए इन्होंने परीक्षा फीस के बारे में बताया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग देखिए, परीक्षा का शुल्क इन्होंने रखा हुआ है 1,000 रुपये रखा हुआ है इसमें। और बाकी जो देखिए ST SC है, तो उनके लिए 250 रुपीज़ है। और बाकी देखिए, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ था, क्योंकि देखिए ये 2015 में भी आया था, तो उस समय बहुत लोगों ने इसको भरा था। हालांकि एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो चुका था उस समय। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जैसे जो पहले से इसको भरे थे, जैसे 2014-15 में जो आपका वैकेंसी आया था आपका वहाँ पे, तो उनको यहाँ पे पुनः आवेदन करना है, यानी कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा जो पहले मतलब कि भरे थे, तो बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा और डेट ऑफ बर्थ, ये आपको मतलब कि इंटर करना होगा, तभी आपको परीक्षा शुल्क में मतलब कि जो है इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आप नए तरीके से पत्र आप भरते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते हैं आप फिर से बिना जो पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिना उसको दिए, तो आपको पूरा का पूरा फी मतलब इसमें लगाया जाएगा, मतलब आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी देखिए, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यदि आपको इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है, मतलब आपको इसमें नहीं भरना चाहते हैं आप इसको, या फिर जो बाहर के स्टेट के जो स्टूडेंट थे, तो उनको मतलब कि जैसे वो तो भर नहीं सकते हैं, तो उनको रिफंड कर दी जाएगी पैसा। तो उसके लिए देखिए ये इन्होंने दिया हुआ है कि उसके लिए अलग से सूचना वो प्रकाशित करेंगे ये वेबसाइट पर, तो वो जब आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए ही है, मतलब कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये झारखंड के जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग सीट के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी रिक्तियाँ हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे आपका जो मेन मेन जो पोस्ट है वो हम बात करेंगे। जैसे आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, तो इसमें टोटल आपका 362 सीट है। और किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो ये आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, ये हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे आगे। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ऑनलाइन जो सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन, तो वो उस डेट तक आपका आ जाना चाहिए। यदि आपका उस समय तक नहीं आएगा, तो वो आपको मतलब कि जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो मेन आपका है जैसे एज से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें इन्होंने जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपका 21 वर्ष रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज आपका 21 साल हो गया। और मैक्सिमम की हम बात करें तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स है, यानी 35 साल है। और बाकी जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जैसे यहाँ पे पुरुष के लिए अलग, यानी मेल फीमेल के लिए अलग अलग है इसमें, तो पुरुष के लिए 37 वर्ष है और बाकी जो फीमेल है उनके लिए 38 ईयर्स है। और बाकी जो ST SC है, तो उनके लिए 40 ईयर्स रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम आरक्षण से संबंधित बात करते हैं, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको देना है, यदि आपको जैसे कि आरक्षण का लाभ लेना है, तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो स्थानीय निवासी जो प्रमाण पत्र है वो आपका 2/6/2016 के बाद का आपका होना चाहिए, इससे पहले का आपका इसमें नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वो आपका अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का मतलब आपका होना चाहिए। इसके पश्चात जो भी मतलब होगा निवासी प्रमाण पत्र आपका, वो मान्य नहीं होगा। और इसका जो लिस्ट भी मतलब कैसा आपका होगा, वो इन्होंने जैसे कि आपका ये जो आपका 7 नंबर का जो यहाँ पे परिशिष्टी है वहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आगे दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र के बारे में कि जाति प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे झारखंड के जो भी OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, मतलब जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो उनका यदि सपोज कीजिए कि 29/8/2012 को या इससे पहले का जो मतलब बना हुआ है, तो उनको मतलब कि क्या करना है कि जैसे उनको फिर से सर्टिफिकेट एक बनवाना होगा आपको, कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रतांक, ये जो आपका 17/54 दिनांक 25/2 2000 का, यानी कि जो प्रपत्र आपका दिया गया है
यानी कि वो आपको समर्पित करना होगा, यानी कि आपको स्वयं घोषणा, यानी कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, एक जो आपका यहाँ पे फॉर्म है उसको फिल करके आपको वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो ये चीज़ आपको जैसे कि परिशिष्ट संख्या आपको 5 पे आपको मिल जाएगा, वो कैसा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ ये है कि यदि आपका 29/8/2012 का आपका बना हुआ है, इससे पहले का है, तो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। या फिर इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं कि आप लोग या तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कि आप लोग 25/2/2019 के बाद का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, या फिर इसके बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले का है तो आपको फिर से बनवाना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मेट आपको ये फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको अंचल पदाधिकारी के स्तर तक का आपको मतलब ये जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। और बाकी देखिए जो EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है, यानी जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो हैं, तो उनको भी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसका भी जो फॉर्मेट है वो आपको 6 नंबर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है कि आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से आपका वैध भी होना चाहिए, यानी कि वैलिड फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, वो जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और इसमें इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए आपका, इसके पहले का आपका नहीं चलेगा, चाहे आपका OBC का हो या फिर जो आपका वो है जैसे कि ये आपका दिया हुआ है EWS कैटेगरी का। और जिनका OBC का पहले का भी है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन उनको फाइल मतलब कि जो फॉर्मेट है उसमें उनको बनवा के ले जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग देखेंगे कब से आपका फॉर्म भरा प्रक्रिया जो होगा इसका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका 18/9/2019 से आपका स्टार्ट होगा, यानी कि ये आपका 18 सितंबर से स्टार्ट आपका होगा और ये 17 अक्टूबर तक आपका ये चलेगा। और यहाँ पे जो आपको अगला दिया हुआ है कि परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है आपका, वो आप लोग 21/10 तक कर सकते हैं, और बाकी जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करने का लास्ट डेट इसमें 23/10 तक दिया हुआ है। और बाकी देखिए इसमें और भी दिया हुआ है कि जैसे कोई भी यदि आपका एरर होता है फॉर्म में आपका, तो आप लोग 24/10 तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिया हुआ है डेट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज़ है कि जो आपका यहाँ पे जो परीक्षा है, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसमें देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो परीक्षा का स्वरूप जो आपका होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि जो आप लोग बैठ के जो देते हैं आप पेपर मोड में, पेन पेपर मोड में जो आपका रहता है, तो वो आपको मिलेगा क्वेश्चन वहाँ पर आपको। और इसमें देखिए 2 लेवल पे आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा आपका है मुख्य परीक्षा है। इसमें इन्होंने एक चीज और भी दिया हुआ है कि यदि सपोज कीजिए कि जो आपका 15,000 से यदि कम आवेदन रहता है, तो उस समय ये मुख्य परीक्षा नहीं कराएंगे, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा से ही हो जाएगा। तो बट इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि फॉर्म तो 15,000 से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, तो ये कोई ज़्यादा उतनी बड़ी मैटर नहीं है ये। तो आप लोग समझ के चलिए कि ये आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें देखिए टोटल आपके 120 प्रश्न रहेंगे, और इसमें टोटल टाइम आपको रहेगा 2 घंटे का रहेगा। और इसको यदि हम डिवीजन करें तो देखिए सबसे पहले आपका समाज अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में जैसे GK आपका जैसे 30 क्वेश्चन रहेंगे, फिर सामान्य विज्ञान से आपके 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से आपका 20 प्रश्न रहेगा, और उसके बाद मानसिक क्षमता जांच है यानी कि रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, तो इससे आपका 20 क्वेश्चन आएगा। और बाकी जो झारखंड राज्य संबंधित है, झारखंड GK से आपका इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपका समय रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रारूप दिया हुआ है इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ सिलेबस भी दिया हुआ है, तो सिलेबस कोई मायने उतना नहीं रखता है। यदि आपने SSC का एग्जाम का तैयारी किया होगा या फिर रेलवे का तैयारी किया होगा, तो वो सारा सेम चीज़ है प्री के लिए, आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आपको यहाँ पे झारखंड से GK जो आपका आता है, तो वो आपको अलग से तैयार करना होगा यदि आप लोग रेलवे के फॉर्मेट में एग्जाम दिए होंगे। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे झारखंड GK आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे हम लोग मेन बात करते हैं मुख्य परीक्षा का, यानी कि जो आपका मेंस एग्जाम जो होगा, तो उसमें देखिए 3 पेपर आपके होंगे। तो जो पहला पेपर आपका होगा उसमें भाषा ज्ञान का होगा, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, और परीक्षा का समय आपका रहेगा 2 घंटे का रहेगा। तो इसमें देखिए हिंदी से आपका रहेगा 60 क्वेश्चन रहेगा, और अंग्रेजी से यानी इंग्लिश से आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी देखिए जो सेकेंड पेपर है आपका,
तो वो मतलब कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित आपका प्रश्न 100 प्रश्न रहेंगे इसमें। तो इसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे जैसे आप हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी कर सकते हैं, उर्दू, संथाली, जो भी लैंग्वेज आप लोग देते होंगे एग्ज़ाम का, यानी कि जो आप कंफर्टेबल जिसमें आप फील करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा फॉर्म भरते समय। और उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा जो 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ देखिए इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है नीचे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो कि जो आपका पत्र संख्या जो 3 आपका है इसमें, तो यानी कि जो जो तीसरा पेपर आपका रहेगा, तो उसमें सामान्य ज्ञान से टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम इसमें इन्होंने 2 घंटे का दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले जो आपका जीके है, तो वो आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे। विज्ञान भी आपका जैसे साइंस है तो वो 20 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य गणित जो आपका मैथ है वो भी 20 प्रश्न रहेंगे इसमें। फिर जो आपका रीजनिंग वाला है तो ये भी 20 क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक आपका अलग कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है ये जुड़ गया है, ये आपका एडिशनल 20 मार्क्स का आपका आएगा। और झारखंड राज्य से संबंधित आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है जो कि इसमें ज़्यादा है। और बाकी जो आपका एक है झारखंड राज्य से जो क्वेश्चन है ये मतलब 10 क्वेश्चन इससे इंक्रीज हो गया है। तो टोटल इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका पत्र 1 जो है वो सिर्फ क्या है, वो केवल क्वालिफाइंग का है, यानी कि उसमें आपको 30% मतलब लाना होगा, तभी आपको पेपर है, यानी कि जो पेपर आपका अगला तो पेपर 3 है वो चेक होगा, मतलब उसको काउंट किया जाएगा। यदि आप पत्र 1 में फेल हो जाते हैं तो आपका फिर वो मार्क्स नहीं ऐड किया जाएगा, यानी कि चेक ही नहीं होगा, फिर आप लोग रिजेक्ट मतलब हो जाएगा आपका। तो आपको पेपर 1 जो है भाषा ज्ञान का, उसमें आपको मतलब 30% आपको पास करने के लिए इतना लाना ही होगा, और वो काउंट मतलब नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो चयन जो आपका होगा इसमें, तो वो पत्र 2 और पत्र 3 यानी मूल्यांकन ये तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपका पत्र 2 नंबर और 3 नंबर, तो इन दोनों को मिला के आपका क्या होगा, एक इक्विवेलेंट नंबर बनाया जाएगा आपका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी देखिए क्वेश्चंस होंगे या फिर जो थ्योरी होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। खासकर हम ध्यान देंगे आपका जैसे कि कंप्यूटर का आपका हो गया और विज्ञान का हो गया, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे क्लास में। इसका मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आपका जैसे रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका लेक्चर्स भी बना देंगे। और बाकी जो मेंस में जो भी सब्जेक्ट आपका है जैसे कि लैंग्वेज पेपर है, तो उससे रिलेटेड भी आपका हम यहाँ पे जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो भी रहेंगे वो मैं आपका करा दूंगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर है तो उनसे कितना क्वेश्चन किया आएगा, और बाकी जो क्षेत्रीय जो भाषा है तो उसमें से एक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें सब आपका वही सारा चीज़ है। तो चलिए फिर, और भी कोई डाउट होगा तो उसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें बस आपको यही बताना था जो वैकेंसी आई है उसके बारे में।